नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग 109 आज से 7 मार्च तक यानी कि 15 दिनों के लिए बंद रहेगा। दो गांव से आगे इस राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। पहाड़ के कटान को देखते हुए जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम होने के चलते आवाजाही बंद रहेगी। इसके चलते हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले वाहनों को भीमताल भवाली होते हुए जाना पड़ेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल के मुताबिक आने वाले पर्यटन सीजन को देखते हुए जरूरी हो गया है कि संकरी जगहों को चौड़ा किया जाए, क्योंकि पर्यटन सीजन और मानसून के दिनों में सड़क चौड़ीकरण का काम नहीं किया जा सकता है। NH 109 पर एक स्पॉट है जो काफी संकर है हुए भी और इवन अदरवाइज भी, क्योंकि ये हमारे कुमाऊं का गेटवे है। दिस इज वन ऑफ द लाइफलाइन ऑफ कुमाऊं। नैनीताल आने वाले देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है कि आज से 7 मार्च यानी 15 दिनों तक नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग 109 बंद रहेगा और इस सड़क के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। लिहाजा प्रशासन ने यह फैसला किया है कि बाय भीमताल और भवाली होते हुए पर्यटक नैनीताल की तरफ जाएंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर लगाई गई है ताकि इस मार्ग को बंद किया गया है जो नैनीताल जाने वाला मुख्य मार्ग NH 109 है। और सड़क चौड़ीकरण को लेकर लगातार पिछले पर्यटन सीजन में भी जो दूर दराज से आने वाले पर्यटक थे वो जाम में फंसे रहते थे, लिहाजा इस बार पर्यटन सीजन के आने से पहले ही प्रशासन जो है इस सड़क को दुरुस्त कर लेना चाहता है। लिहाजा अगले 15 दिनों तक नैनीताल और दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग जो 109 है वो बंद रहेगा और ख़ासकर से इस दौरान पर्यटकों को बाय भीमताल भवाली होते हुए नैनीताल जाना होगा। हल्द्वानी से दिनेश पांडे, R9 TV।